हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षय और आपका एक क्लैश के एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वीकेंड गेम चालू हो चुका है और मैंने एक क्वेस्ट सेलेक्ट किया है, वो है आर्चर एम्बुश। उसमें हमें 5 स्टार कलेक्ट करने हैं 30 आर्चर्स यूज़ करके और 100 पॉइंट्स कमाने हैं। और उसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इवेंट सेक्शन में कि क्लैन गेम्स वीकेंड गेम्स चालू है और लगभग 2 दिन मतलब 3 दिन का जो टाइम मिला उसमें से हाफ टाइम ख़त्म होने वाला है। लगभग 3 घंटे में बराबर आधा टाइम ख़त्म हो जाएगा जो क्लैन गेम्स के लिए। और गिबार्च इवेंट चालू है, उसमें पता है जाइंट बारबेरियन आर्चर और ये 3 जो ट्रूप्स है वो हम TH1, TH2 और TH3 और TH4, TH5 तब से यूज़ करते आ रहे हैं और स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं। बाद में न्यू ट्रूप्स आए, डार्क ट्रूप्स आए, इसलिए हम याद नहीं करते। फिर भी ये बहुत इफेक्टिव ट्रूप्स है, ये मैं बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छे से काम कर पाता हूँ मैं। और देख सकते हैं मैंने अभी तक 9 अटैक्स कर चुका हूँ मैं और एक लास्ट अटैक करने वाला हूँ और मैं वही दिखाना चाहता हूँ। और इसमें मुझे 24 बारबेरियन ट्रूप्स, 5 जाइंट्स, 24 आर्चर ट्रूप्स यूज़ करना है। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो ट्रेन किया है वो है 24 बारबेरियन, 50 आर्चर्स, 20 जाइंट्स, 6 वॉल ब्रेकर, 10 विजार्ड्स, 1 हीलर, 1 हील, 2 रेज, 1 जंप स्पेल एंड 1 हेस्ट, 1 पेक्का एंड 1 किंग। मतलब किंग तो एक ही रहता है तो आपको पता ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये है और कि मैं अभी इसमें मैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने अभी क्वीन अपग्रेड कर रहा हूँ और मुझे डार्क की ज़रूरत है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा मतलब डार्क जमा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं अभी कॉलेज अभी चालू है तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो देख सकते हैं कि इसके लिए मैं सब मतलब एलेक्जर ट्रोपी है, देख सकते हैं कि एवरेज मेरा 270,000 ही यूज़ हो रहा है और 90 डार्क एलेक्जर। पर अभी मेरा लीक कम है और TH10 के लिए ये लीक में आराम से लूट मिल जाता है, डेरबेस मिल जाता है तो चल जाता है। पर आप अगर चैम्पियंस में हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा आर्चर्स 24 लेके जाना है ना, तो 24 को माइनस कर दो और जाइंट्स थोड़ा कम करके वल्कीरी लेके जाओ, ताकि 4-5 वल्कीरी लेके जाओ, रेज डाल दिया तो अंदर डायरेक्ट अंदर जाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं अटैक करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे ही अपोनेंट मिलेगा तो मैं चालू कर दूँगा, तब तक मैं पॉज। तो आप देख सकते हैं कि ये जोकर करके एक एक्टिव प्लेयर है एक्चुअली, तो इसमें लगभग मुझे 3000 तक चल जाएगा डार्क। तो मैंने अभी ये और इसका ज़्यादा डिफेंसेस भी इतना नहीं है और सब एक ही साथ है अंदर, तो मैं अगर मेरे पास जंप्स फैले तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट है क्योंकि इससे सब कॉम्प्रेस्ड बेस है तो मैं आराम से अटैक कर पाऊँगा। तो अभी मुझे पहले CC से देखना पड़ेगा कि कुछ है या नहीं क्या, तो इसके लिए मैं यहाँ से एक जाइंट छोड़ देता हूँ ताकि मालूम पड़ जाए कुछ CC में है या नहीं। देखो अभी किंग उसका रीजनरेट हुआ है, नहीं तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, पर कुछ ना फ़ायदा नहीं। और CC में नहीं है ये मुझे पता चल गया है, तो मैं अभी अटैक करूँगा अंदर। और देख सकते हैं यहाँ पे कोई एयर डिफेंस नहीं है तो मैं हीलर भी छोड़ दूँगा पीछे ताकि हील करते रहे और बॉम्बर अपना फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो अभी विजार्ड से सब अंदर ताकि किंग सब अंदर बरबर से चले जाए और बारबेरियन सब इतना नहीं चाहिए और ये भी डाल देता हूँ। जाइंट्स पेक्का आर्चर्स सब एक साथ देख सकते हैं सब एंट्री मार चुका है। अभी किंग भी डाल देता हूँ मैं और जंप स्पेल यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे। अभी एक रेज करने की ज़रूरत है और देख के बाद में क्या होता है दुश। और देख सकते हैं कि फुल रेज में सब मारते जा रहे हैं मारते जा रहे हैं और ये इजी बेस था, वो ये देख के मालूम पड़ रहा है कुछ प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं थी इसमें। और यहाँ से थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ, वो पक्का है ये टेस्ला बाहर रखा है, इसके लिए मेरे को लगा इतना कॉम्प्लेक्स कैसा होगा इन लोग का बेस, अभी पता चला। हीलिंग स्पेल रहने देता हूँ क्योंकि वहाँ पे भी इतना बड़ा स्पेस है तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वहाँ पे भी क्या बोलते हैं वही ये रहेगा जाइंट बॉम्ब सब रहेंगे। तो ये एक्चुअली जो ये बड़े बड़े स्पेस थे वहाँ पर ही मतलब अपोनेंट्स ने सबसे ज़्यादा ट्रूप्स, देखो यहाँ से शायद से स्प्रिंग रहेगा, हाँ देखो क्यों अच्छा हुआ मैंने ऊपर से अटैक किया, अगर नीचे से अटैक करता तो मुझे पूरा लूट नहीं मिल पाता था, पर इसमें अभी लगभग मुझे मिल गया ज़्यादा से ज़्यादा लूट और मेरा मतलब जो इवेंट था वो भी कम्प्लीट हो गया और जो क्वेस्ट था वो भी कम्प्लीट हो गया।
टू स्टार का कलेक्ट करने, एक स्टार कलेक्ट करना था, पर टू स्टार कलेक्ट कर पाया। जाइंट अभी मुझे लगता है लगभग दो डिफेंस मार पाएंगे, क्योंकि वीज़ा देने हैं, दो वीज़ा बाकी है अभी भी। तो पेक्का किधर गया क्या पता, मैं देखा ही नहीं उसे, शायद से मर गया। इधर किंग भी मर गया पहले, देखो यहाँ पे ख़त्म। अगर थोड़ा टाइम होता तो वीज़ा निकल जाते थे, फिर भी अच्छा अटैक चला गया लगभग, क्योंकि अगर मैं वर्ल्ड कर ही होता तो वो आराम से इधर जो यहाँ पे जाइंट बॉम्ब फूटे वहाँ आराम से मिल जाता था। देखिए 3000 डार्क रेज मिल गया है और 800 डार्क भी मिल गया है, तो अभी दोनों कंप्लीट हो गए देख सकते हैं। यहाँ पे आर्चर भी ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, और गिबार्च इवेंट भी कंप्लीट हो गया, तो मुझे 90 जेम्स मिल गया है। और मेरा और एक ट्रूप है, मतलब पक्का है यहाँ पे रेंदो वहाँ पे। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।